एक अमेरिकन को किसी ने कह दिया कि भारत में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, तो वो अमेरिका से भारत आ गया चमत्कार देखने। कुतुब मीनार के पास खड़ा हो गया, चमत्कार नहीं हुआ। लाल किला के पास खड़ा हो गया, चमत्कार नहीं हुआ। ताजमहल के पास खड़ा हो गया, चमत्कार नहीं हुआ। हवा महल के पास खड़ा हो गया, चमत्कार नहीं हुआ। वो बड़ा दुखी हुआ यार, क्या इंडिया देखने आया था, चमत्कार देखने आया था, कोई चमत्कार नहीं हुआ। रास्ते में उसने एक कृष्ण भगवान का मंदिर देखा, उसने सोचा यार कृष्ण भगवान ने एक उंगली पे पूरा पर्वत उठा लिया था, शायद उनके मंदिर में जाए तो कुछ चमत्कार हो। तो वो कृष्ण भगवान के मंदिर में गया, जैसे ही मंदिर से बाहर आया जोर से चिल्लाया चमत्कार हो गया। पास वाले आदमी ने पूछा क्या बात है क्या हो गया, बोले मेरे जूते गायब हो गए। एक आदमी शुद्ध हिंदी में बात करता था, एक दिन उसकी एक साइकिल पंक्चर हो गई। साइकिल वाले के पास गया और बोला भाई साहब मेरी ये जो द्विचक्रा है उसकी अग्रचक्रा की पवन वाहिनी नलिका में हल्का सा छिद्र हो गया है, इसमें पवन ठुसाई की कितनी मुद्रा ग्रहण करेंगे। अब वो हिंदी बोलने वाला व्यक्ति एटीएम में चला गया पैसे निकालने, गार्ड से बोला हे सुरक्षक महोदय इस स्वतः चलित मुद्रा दायनी मशीन में से मुद्रा निकालने के इस परिचय पत्र को घुसेड़ने का उपाय बताए। एक लड़की ने एक कॉलेज में एक नाटक में बुआ जी का रोल कर लिया, बुआ जी पिताजी की बहन। तो सारे लड़के उसको अगले दिन से बुआ जी कहके परेशान करने लगे, और बुआ जी क्या हालचाल है, और बुआ जी क्या हालचाल है। और वो लड़की बहुत परेशान हो गई, क्या करूं क्या नहीं करूं। वो प्रिंसिपल साहब के पास गई, बोले साहब जब से नाटक में बुआ जी का रोल किया है सारे लड़के बुआ जी कहके परेशान करते हैं। प्रिंसिपल साहब बोले बेटी तू चिंता मत कर, कल सबको सलटा दूंगा। अगले दिन सारे लड़कों को ग्राउंड पे बिठा दिया, प्रिंसिपल साहब यहाँ खड़े हैं, पास में लड़की खड़ी है। प्रिंसिपल साहब बोलते हैं अरे इस लड़की को बुआ जी कौन बोलता है, हाथ खड़े करना। सारे लड़कों ने हाथ खड़ा किया, पीछे गांव का लड़का है वो हाथ नहीं खड़ा कर रहा। प्रिंसिपल साहब सोचे यार ये सारे लड़के बदमाश है, सारे लड़के बदतमीज है, ये गांव का लड़का बहुत शरीफ है, ये मेरा नाम रोशन करेगा, उसको खड़ा कर दिया। तू खड़ा हो जा बेटा, तू बुआ जी नहीं बोलता। बोले मैं नहीं बोलता बुआ जी। बोले तू क्यों नहीं बोलता बुआ जी। बोले मैं सारे कॉलेज का फूफा जी लगता हूँ।